नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं नंदलाल शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल के पराशरन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला ट्रस्टी बनाया गया है। के पराशरन के नाम को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अयोध्या मामले में के पराशरन हिंदू पक्ष के पक्षकार थे। ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस 92 वर्षीय के पराशरन का नई दिल्ली स्थित निवास स्थान R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में होगा। 1927 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में पैदा हुए के पराशरन हिंदू धार्मिक परिवार से आते हैं। उनके पिता केशव आयंगर एक वकील और वैदिक विद्वान थे। पराशरन के 3 बेटे हैं, मोहन, सतीश और बालाजी, और तीनों वकील हैं। UPA 2 में मोहन पराशरन थोड़े समय के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रहे। पराशरन के परिवार की चौथी पीढ़ी भी वकालत के पेशे में है। पराशरन ने अपनी वकालत 1958 में शुरू की। आपातकाल के दौरान वो तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे, जबकि 1980 में उन्हें देश का सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। 1983 से 1989 तक के पराशरन देश के अटॉर्नी जनरल रहे। अयोध्या मामले के अलावा के पराशरन सबरीमला केस में भी पक्षकार रहे। के पराशरन अयप्पा मंदिर में रजस्वला महिलाओं के प्रवेश पर लगे बैन को डिफेंड करने के लिए नायर सर्विस सोसाइटी की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बैन के खिलाफ फैसला देते हुए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। के पराशरन अक्सर अदालती तकरीरों में हिंदू धर्म ग्रंथों का उल्लेख करते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल ने उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था के पितामह की संज्ञा दी थी। 1970 के बाद राजनीतिक रूप से हर सरकारें पराशरन की सेवाएं लेती रही हैं। बावजूद इसके वे सरकारों से अपनी असहमति दर्ज कराने में हिचकिचाते नहीं थे। जब 1985 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उनकी सलाह नहीं मानी तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। इंदिरा सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें पद पर बनाए रखा। 2 महीने के भीतर ही उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1999 से 2004 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए ड्राफ्टिंग और एडिटोरियल कमेटी का सदस्य नियुक्त किया। के पराशरन को वाजपेयी सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा तो यूपीए 1 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। साथ ही वे राज्यसभा के लिए भी नामित हुए। 2016 के बाद पराशरन सिर्फ 2 बार कोर्ट में पेश हुए, एक सबरीमला केस और दूसरा अयोध्या मामला। के पराशरन का रिश्ता कमल हासन के परिवार से भी है। पराशरन की पत्नी सरोजा कमल हासन की फर्स्ट कजिन है। अयोध्या मामले से जुड़ी तमाम खबरों के लिए dainikjagran.com पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।